अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की पूरी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, किस तरीके से इसको बनाएंगे। और आप वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 उबले हुए आलू, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लिया है मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, और 8 से 10 लिया है लहसुन की कलियाँ। अब हम आलू को छील कर तैयार कर लेंगे। और जो लहसुन अदरक और मिर्ची हमने लिया है उसको हम ग्राइंड करेंगे, और आलू को हम इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी इस तरीके से पूरे आलू को। और यहाँ पर मैंने इसको भी मसालों को भी यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एक इसमें डाल लेंगे मिक्सिंग बाउल में, और उसके बाद जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं उसको भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता। और अब इन सबको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं इसमें अच्छे से वेल कम्बाइंड हो जाए। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, तो उसको 1/2 1/2 क्वांटिटी में मैं डालूँगी। तो इसको हम बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ आटा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी आलू की पूरियाँ फूलती नहीं है। तो उसके लिए जब आप आटा लगा रहे हैं तो आटे को बहुत अच्छे से लगाएं, और थोड़ा सख्त आटा लगाएं, पूरियों का आटा जिस तरीके से हम लगाते हैं, और इसको अच्छे से आप नीड करें, अच्छे से गूंथें ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। तो अगर आप आटा अच्छा लगाएंगे, स्मूथ सा चिकना सा आटा आप लगा कर तैयार करेंगे, तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी और फूली फूली बनकर तैयार होंगी और बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होंगी। तो एक बहुत बड़ा टिप है कि आप इसको आटे को सबसे पहले आटा बहुत अच्छे से आपको लगाना है, और दूसरा ये है कि आप जब इसको तलने जा रहे हैं तो उस टाइम आपका जो ऑयल है अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में पूरियाँ डाल देंगे तो बिल्कुल भी आपकी पूरियाँ नहीं फूलेंगी, इसलिए आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक आप बहुत अच्छे से आटे को इस तरीके से जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ नीड करें, उसको इस तरीके से गूंथें, और एकदम चिकना बनाकर आपको इसको तैयार करना है, तभी आपकी पूरियाँ सॉफ्ट स्मूथ और फूली फूली बनकर तैयार होंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑयल लगाऊंगी इसमें ताकि और अच्छा और चिकना सा बनकर तैयार हो जाए। और इस तरीके से लगाते हुए इसको फिर से 2-4 पंच लगा लेंगे इस तरीके से। मैंने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, यह आलू से ही इस तरीके से लगकर तैयार हो गया है। अगर आपको पानी का ज़रूरत है तो आप ध्यान से डालें, नहीं तो आपका आटा गीला हो जाएगा। तो आटा लगकर यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी पूरियाँ इस पर अच्छे से बने। तो इस तरीके से थोड़ा आटा लेके उसको रोल करेंगे और उसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे।
अब हम इस तरीके से इसकी पूरी बेलकर तैयार कर लेंगे। पूरी की साइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम सभी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पे मैंने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें पूरियां तलेंगे। तो इस तरीके से पूरी डालकर आप हल्का सा ऑयल को हिलाते जाएं। हिलाने से क्या होगा, हमारी पूरी फटाफट से फूल कर तैयार हो जाएगी। अब हम इसको फ्लिप करेंगे। तो इसी तरीके से आप दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी पूरी फूल कर हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। अगर आप ये सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो इसी तरह की पूरियां आपकी बनकर तैयार होंगी। और अब सभी पूरियों को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी आलू की पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।